गरीब नवाज गुरु तारक जहाज गुरु। गुरु कौन है? गुरु गरीब नवाज है। और गरीब कौन है? जिसके जीवन में अहंकार का भार नहीं। जैसे पर्वत पर चोटी पर पहुंचना है, शिखर पर पहुंचना है, भार रहित आदमी आसानी से और जल्दी पहुंच जाएगा। भार लेकर चलने वाला आदमी शिखर पर नहीं पहुंच सकता। श्रम बहुत होगा, थकान बहुत होगी, अहंकार का भार आदमी को ऊपर उठने नहीं देगा। जैसे पक्षी के गले में पत्थर बांध दो तो वो उड़ान क्या भरेगा। अहंकार एक भार है। गरीब वो है जिसके जीवन में अहंकार नहीं। बकवास भरे एसएमएस करने वाले भले कोई किसी को बोले कि जब से तुमको अपने करीब समझा है तब से सारी दुनिया को गरीब समझा है। तुझे पता ही नहीं गरीब किसको बोलते। भगवान राम को गरीब नवाज कहा गया है तुलसीकृत रामायण में। गुरु भी गरीब नवाज है। ऐसे गरीबों पर गुरु की बहुत कृपा बरसती है, अहंकारी पर गुरु की कृपा नहीं बरस सकती। गरीब नवाज गुरु तारक जहाज गुरु, गरीब नवाज गुरु तारक जहाज गुरु, रखो मेरी लाज गुरु पूरे करो काज गुरु, रखो मेरी पूरे करो काज। माना मेरी दुकान अच्छी चल जाए, मेरा घर अपना बढ़िया बन जाए, ये नहीं, मेरी साधना में पूर्णता आ जाए, मेरे प्रेम में पूर्णता आ जाए, मेरे हृदय की पवित्रता में पूर्णता आ जाए। गरीब नवाज गुरु तारक जहाज गुरु, गरीब नवाज गुरु तारक जहाज गुरु, राखो मेरी लाज गुरु पूरे करो काज गुरु, राखो मेरी लाज गुरु पूरे करो काज गुरु। करुणा निधान गुरु सदा मेहरबान गुरु, करुणा निधान गुरु सदा मेहरबान गुरु, गुरु सदा मेहरबान है। कोई कदर करने वाला होना चाहिए। अभद्र किसी की कदर नहीं करता। गुरु शिष्य को डांटते हैं कभी तो गुरु की डांट प्रहार नहीं है, गुरु की डांट उपहार है, प्रहार नहीं है। बेवकूफ शिष्य वो गुरु की डांट को प्रहार समझता है, समझदार शिष्य गुरु की डांट को उपहार समझता है। कि गुरु की डांट एक उपहार है जिससे दुर्गुणों का संहार हो जाएगा और मैं भव से पार हो जाऊंगा, ये उपहार है, प्रहार नहीं है। गुरु की चोट वो शिष्य को गिराने के लिए या भक्ति से दूर करने के लिए नहीं होती। गुरु की चोट शिष्य को साधना की चोटी पर पहुंचाने के लिए होती, ऊंची चोटी, शिखर, पूर्णता। करुणा निधान गुरु सदा मेहरबान गुरु, करुणा कर दो कल्याण प्रभु, कर दो कल्याण प्रभु, कर दो कल्याण प्रभु, कर दो कल्याण प्रभु। वीरन के वीर गुरु, धीरन के धीर गुरु, वीरन के वीर गुरु, धीरन के धीर गुरु, वीरन के पीर गुरु सुमति सिखाइए, वीरन के पीर गुरु सुमति सिखाए। मेरी मति सुमति हो जाए। और मति सुमति किसकी है?
जिसके जीवन में कोई अति नहीं है, न खाने में अति, न सोने में अति, न व्यर्थ बोलने में अति, न भोगों में अति, जिसके जीवन में अति नहीं है, तो मैं इस अति से बच जाऊं गुरुदेव, मेरी साधना में गति हो, मेरी मति सुमति हो। और ऐसी सुमति हो कि बस उसमें और कोई चाह न रहे आपके सिवाय, केवल आप ही आप रहे। परम दयाल गुरु, परम कृपाल गुरु, कृपाल गुरु, परम दयाल गुरु, परम कृपाल गुरु, परम पावन गुरु ज्योत को जगाइए, परम पावन गुरु ज्योत को जगाइए, संत सिर ताज गुरु महा महाराज गुरु, संत सिर ताज गुरु महा महाराज गुरु, राखो मेरी पद गुरु अज्ञान मिटाइए, राखो मेरी पद गुरु अज्ञान मिटाइए, राखो मेरी पद गुरु ऊंची करो मत गुरु, राखो मेरी पद गुरु ऊंची करो मत गुरु, मेरी मति ऊंची, मेरी ऊंचे केंद्रों की यात्रा हो, मैं मूलाधार केंद्र में न भटकूं, मूलाधार से स्वाधिष्ठान की ओर चलूं, स्वाधिष्ठान से मणिपुर की ओर, मणिपुर से अनाहत चक्र की ओर, अनाहत से विशुद्धाख्य की ओर, विशुद्धाख्य से आज्ञा चक्र की ओर, और आज्ञा चक्र से सहस्त्रसार की ओर। राखो मेरी पद गुरु ऊंची करो मत गुरु, राखो मेरी पद ऊंची करो, पर दुख हारी गुरु पर उपकारी गुरु, पर दुख हारी गुरु पर उपकारी गुरु, पर सुख कारी गुरु शुभ गुणकारी गुरु, पर कर रखवारी गुरु विपत्ति हटाइए, कर रखवारी गुरु विपत्ति हटाइए, गोविंद गोपाल गुरु प्रभु प्रतिपाल गुरु, गोविंद गोपाल गुरु प्रतिपाल गुरु, गोविंद गोपाल गुरु प्रभु प्रतिपाल गुरु, गोविंद गोपाल गुरु प्रभु प्रतिपाल गुरु, राम रखपाल प्रभु बंधन हटाइए, राम रखपाल गुरु ज्ञानी गुरु, पूरण सुध्यानी गुरु, पूरण ज्ञानी पूरण सुध्यानी गुरु, पूरण सुध्यानी गुरु बिगड़ी बनाइए, पूरण सुध्यानी गुरु बिगड़ी।